तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं कालन पिंडारी बिलासपुर में। ये आप नज़ारा देख सकते हो। अरे वाकई काफ़ी अच्छा नज़ारा है। हाँ। आपको कैसा लग रहा है भाई साहब यहाँ पर घूमते हुए? अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। एक्सपीरियंस मतलब कैसा माहौल, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है जैसे किसी के जंगल में आ गया हूँ। ओह क्या बात सर, जंगली बात। हमारी मीटिंग होगी मयूर के साथ। अभी आइए भाई साहब, देखिए ये है भाई, मैंने सबसे मतलब पहली बार ओरिजिनल टिकॉक देखा ये है। तो फ्रेंड्स, दूसरा मीटिंग हमारे साथ मेहमान उल्लू जी, और दूसरा है चील जी। वो चील प्लस उल्लू। तो सर जी, आपको कैसा लगा देख करके बताइए? रात में जागना और दूर से तेज नज़र याद आता है मुझे। तो भाई साहब, इस बार हम जो दिखाएंगे वो सबसे यूनिक है, सबसे खूबसूरत जो है सफ़ेद मोर। दिनेश जी, आपको ये देख कर अचंभा लग रहा है? नहीं, हाँ बहुत ज़्यादा। ये बहुत ही खूबसूरत है, दिल मांगे मोर। ये हैं भारतीय मोर, पीकॉक। यस, चलिए आगे चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं कि आगे भी इससे यूनिक चीज़ और भी है। तो फ्रेंड्स, अब दूसरा देखा जो कि है हिरणों का घर, इसे नाम बार्किंग डियर। सभी तरफ आप देख सकते हो, पूरा चारों तरफ यहाँ पर हिरन ही हिरन, अच्छा घेरा हुआ है। हिरन विद हिरन या राइट। ओके चलिए, अब आपको दिखाते हैं फ्रंट कैमरा और दूसरा नज़ारा। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं। अब आगे है चील वाला। अभी हम आए हैं चील के एरिया में। आप चील का वो देख सकते हो स्टैच्यू। चलो चलते हैं। तो चलते हैं, हम आ गए हैं अपने काले हिरण। हाँ, काले हिरण से बोलते हैं। ये देख सकते हो आप, काले हिरण का पूरा झुंड यहाँ पर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखने जी, आप देख रहे हो, देखिए मतलब मज़ा आया अपना, सो ब्यूटीफुल। तो अभी सूचना के अनुसार पता चला कि दिनेश जो है इनसे बात कर सकते हैं। अभी ये इनसे बात कर रहे थे, क्या आप बात करके बता सकते हैं? हिरण आगे बुलाने पर। तो अब दूसरी जगह हम आ चुके हैं, ये है सफ़ेद हिरण। ये दूसरा काइंड ऑफ हिरण, ये चिंकारा प्रजाति के हिरण है, देख लीजिए। फिर बाद में मतलब दिखाने, मतलब हमें दिखाने। ओके, अरे भाई साहब, शेर कब आएगा? शेर दिख, हमें शेर से मिलना है भाई साहब, हिरण से क्या रखा है? हमें हिरण से कुछ लेना देना नहीं, अभी हमें चाहिए शेर। ये दूसरा देखिए, ये क्या कौन सा है? क्या बात है, ये है पाड़ा। अरे भाई साहब, हम शेर की तलाश में आते लेकिन शेर हमें दिख नहीं रहा यार। चारों तरफ देख लिए, क्या क्या वैरायटीज़ है यहाँ पर हिरण की। अभी भी बारह सिंह का देखो। ओह यहाँ पर भालू, यानी कि देख सकते हो आप भालू प्लस शेर। लेकिन शेर मिलेगा कब? चलिए देखते हैं और आपको दिखाते हैं। हमारे सामने में भालू है, ये देखिए, वो रहा भाई साहब भालू। अरे यार, रियल लाइफ में पहली बार देखा हूँ। मतलब ये तो वैसे बहुत छोटा है, और यहाँ पर केवल दो ही भालू हैं। अरे वो निकला, देखा आपने, वो निकला और वो वहीं पर वापस जा रहे हैं। ये दूसरा आशियाना जो कि है लकड़बग्घा का, हमने बचपन में बहुत नाम सुना है इसका कि ये बहुत डेंजर होता है। नाम तो यहाँ पर लिखा हुआ है लकड़बग्घा, लेकिन यहाँ पर कहीं से भी दिख नहीं रहा, कहाँ है भाई साहब? अरे निकलो यार सामने से। आप बहुत लाचार दिख रहा है, केवल एक ही दिख रहा है ना जी, आपको भी केवल एक ही दिख रहा है ना। अरे ये तो पैसे गिनने में माहिर है, कितने पैसा कितना रखे हो भाई साहब, मन में भी दे दो। हजार सोचा था कि शेर को देखने में ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन उतना खास भी नहीं आया यार, मतलब नॉर्मल, क्योंकि वो तो सोया हुआ था और बस। वैसे बहुत काफ़ी दुबला पतला था, बिल्कुल मेरे जैसा। ओके चलिए फिर आगे चलते हैं। भाई साहब, आप आवाज़ सुन सकते हो, ये शेर के दहाड़ने की आवाज़ है। दृश्य जी, आपको कैसा लग रहा है? चलिए उनका आवाज़ हम पास सुनते हैं, कैसा होता है? करिए, काफ़ी भूखा लग रहा है, हो गया। अरे नहीं यार भाई साहब, हम देखने आते हैं धार को, लेकिन नहीं, जब हम यहाँ पर आए तो धार बंद हो चुकी है और वो अभी भी आराम फरमा रहा है भाई साहब। कोई बात नहीं, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत गर्मी है। तो हम यहाँ पर आ सकते हैं, मतलब हम आ चुके हैं अभी खूंखार जंगल में। ये है ग्रीन ट्यूनल, मुझे ज़्यादा अंग्रेजी तो नहीं आती लेकिन इतनी अच्छी है कि पढ़ सकूँ। चलिए दिखाते हैं आपको। ओके भाई साहब,
ये है लंबा सा रास्ता, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो। यहाँ पर आपको शुद्ध पानी मिलेगा। दिनेश जी आप पियेंगे? नहीं पियेंगे, कोई बात नहीं। और ये है शुतुरमुर्ग का एरिया, आपको अंदर से दिखाते हैं। तो भाई साहब हम चलते चलते आ गए हैं दरियाई घोड़ा, जिसे हम बोलते हैं हिप्पोपोटेमस। दरियाई घोड़ा नाम तो बहुत अच्छा है भाई साहब। ये कैमरे में शायद दिख नहीं रहा होगा, वो लास्ट में वहाँ पर है। नाम तो घोड़ा है लेकिन दौड़ पाता कि नहीं पता। हाँ, नहीं वही तो मैं भी सोच रहा था, नाम तो घोड़ा है लेकिन ये दौड़ नहीं पाता, ये तो पानी में रहता भाई साहब। चलिए आपको अगला सीन दिखाते हैं। तो देखिए यार, हम आए थे बेसिकली एग्ज़ाम के लिए, वो तो हुआ नहीं क्योंकि आधार कार्ड में मिस्टेक हो गया था। तो हम सोचे कि कुछ अच्छा किया जाए, मतलब कुछ घूम लिया जाए। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं कालन पिंडारी, चलिए घूमते भी हैं और आपको दिखाते भी हैं कि कैसा सीन है। वैसे भाई साहब आपको यहाँ का सीन जो है काफ़ी बेहतरीन है, ये सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से बनाया गया है, मतलब लगाया गया है। ये यहाँ पर जो चीज़ रहे हैं तो बात करने की नहीं है, लेकिन कुछ नहीं जी। आपको यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है ये हरियाली देख करके? हरियाली देख के ठंडा ठंडा लगा थे, बढ़िया लगा थे। अरे हिंदी बात कीजिए भाई साहब, आप मेरे कैमरे को रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई साहब। आई फील लाइक जो है। हाँ अब बताइए आपने क्या कहा, अंग्रेजी में बोलिए। आई फील गुड एंड एंजॉय कूल। क्या बात। तो दिनेश जी अभी यहाँ पर कूल है। ओके चलिए, अब ये कौन सा क्षेत्र है, कुछ तो अच्छा है, चलिए देखते हैं। तो भाई साहब हम पहुंच चुके हैं एकदम सनसनी जगह पर। क्या है ये, यहाँ पर आप देख सकते हो जंगली भैंसा। नहीं नहीं मैंने सच कहा भाई साहब, ये जंगली भैंसा ही है। हेलो बेबी, हाय हाउ आर यू। अच्छा आप उम्मीद करो कि आप अच्छे होंगे। हाँ। चलिए आगे चलते हैं। वैसे काफ़ी अच्छा यहाँ पर, केवल 20 रुपये में आप हर चीज़ देख सकते हो, हरियाली देख सकते हो और विभिन्न प्रकार के कहा जानवर देख सकते हो और सौ तरीके के आप हिरण देख सकते हो, वैरायटी ऑफ हिरण। चलिए तो भाई साहब हम आ चुके हैं यहाँ पर मगरमच्छ के इलाके में। आप यहाँ पर बैनर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ मगरमच्छ, लेकिन मगरमच्छ नामक कोई चीज़ यहाँ पर है ही नहीं, बस खाली तालाब है यार। दिखाओ भाई साहब, दिखाइए, अंदर आइए, अंदर आइए, दिखाइए। साहब हम आ चुके हैं यहाँ पर शुतुरमुर्ग के एरिया में, देखिए ये ज़बरदस्त से। हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी। तो गाइस आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुमानजी 2 का शूटिंग यहीं पर हुआ था, इनके साथ में, इन मोहतरमा के साथ में। क्या आप अपना नाम बताएंगे? हेलो मिस, नहीं कोई बात नहीं, राजा का बिस्कुट नहीं चलाता है जिसके। तो गाइस चलते चलते हम आ चुके हैं, मतलब शुतुरमुर्ग को पार कर चुके हैं, हमारे पास बिस्कुट भी है, हम इसे खा रहे हैं जी। आर यू एंजॉयिंग दिस बिस्कुट? कोई बात नहीं, आप हमारा भी खा सकते हो। तो यहाँ पर और ज़्यादा वैराइटीज़ हैं शुतुरमुर्ग के। यार वैसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है ना यहाँ पर, मेरे ख्याल से ना जंगल वालों को तकरीबन यहाँ पर हर जगह एसी लगवा देना चाहिए। अरे 20 रुपये दिए हैं यार, 20 रुपये बहुत ज़्यादा बात होती है भाई साहब, मेहनत से बनता है यार 20 रुपया। आइए आपको दिखाते हैं नज़ारा यहाँ का, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है भाई साहब। आप यहाँ घूमने के लिए बिल्कुल आ सकते हो, केवल 20 रुपये है भाई साहब इसका फीस। अरे यार मतलब बचपन से शौक था कि मैं जंगल में जाऊँ। हाँ वैसे ये पिंजरा क्या बोलते, जंगल ही है, बहुत ही यूनिक शानदार एहसास है भाई साहब। आप यहाँ पर ज़रूर आइए, ये बिलासपुर का कानन पिंडारी, क्या नाम भाई साहब? कानन पिंडारी, ठीक यही है, आप आइए घूमिए। अरे यार मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेस है ये घूमने के लिए। तो हम आ चुके हैं कालन पिंडारी, हम तो बहुत पहले से आ चुके हैं। तो हमने अभी रिसेंटली नया फ्रेंड बनाया, ये देखिए ये हमारे मंकी फ्रेंड्स, खुश के हमारे दांत दिखा रहे हैं, इसी के हमारे अपने दांत दिखा रहे हैं भाई साहब। अरे देखिए डर लगता है, देखिए शुतुरमुर्ग यहाँ पर बहुत ये छोटे छोटे हैं। हेलो मिस, आई थिंक ये दिनेश जी आपको कैसा लग रहा है इन्हें देख करके बताइए, आप कैमरे के सामने हैं, ये वीडियो जो है ना वर्ल्ड में छाएगा दिनेश जी। अब कुछ अब हम आ चुके हैं कहाँ पर, अरे यार यहाँ पर, अरे ये तो गौड जिला का वो एरिया, गौड जिला बहुत बड़े बड़े यूज। ना सॉरी गाइस, ये है मूसक हिरण, यानी कि वो छोटा वाला हिरण जो होता है ना उसका ही प्रजाति है। ओके अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। तो हम चलते चलते आगे, अभी चलिए।
हमारे भी हैं। ये है बारह सिंह का एरिया, मतलब जिनके बारह सिंह के भी होते हैं, लेकिन हाँ सिंह इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप देख सकते हो इनके सिंह आपको क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट बोलते हैं इस अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े हैं और उनके दोस्त जो कि बंदर है वो भी साथ में मस्ती मजाक के मूड में रख रहे हैं, मतलब दिख रहे हैं। चलिए अब आपको और भी अच्छे से नज़ारे दिखाते रहते हैं, मतलब दिखाते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग प्रजाति का क्या बोलते हैं इसको, घोड़ा नहीं, ये घोड़ा तो नहीं है, ये है नील गाय। अरे यार काफ़ी अच्छा शानदार है ये, बड़े वाले नील गाय का ये कुछ बड़े, हाँ यू बड़े साइज़ वाला ब्लैक। दो वैराइटीज़ के यहाँ पर नील गाय हैं, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ना सारा चारों तरफ का। और ये हमारे दिनेश जी जो कि इस पिक्चर का बहुत ही आनंद उठाते हुए लुफ्त उठा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी हो इस नज़ारा। चलिए अब थोड़ा आराम कर लिया जाए, चलिए खैर साइकिल ऊपर न चढ़ाएं पर हम खुद तो चढ़ सकते हैं ना ऊपर, यहाँ पर हम थोड़े से आराम फरमाएंगे। भाई साहब थक गए हैं, आज चलते चलते दिनेश जी तो पहले ही पधार चुके हैं, चलिए चलते हैं हम भी और स्लीप करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आवाज़ गूंज रहा है जंगलों के सदन में, आपका स्वागत है, जंगलों के एरिया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड को बता दूं कि मैं जंगल के राजा हूं, राजा नहीं सैनिक। तो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं, ये क्या है लंच नहीं इसे नाश्ता के रूप में कहा जा सकता है। ये देखिए हमारे पास है पॉपकॉर्न, उतना स्वाद भी नहीं है यार इसमें, ये कुछ दिन पहले का है। मज़ा आ रहा है भाई साहब तुम्हें जी, तो आप कैसा फीलिंग कर रहे हो? बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए मैं पॉपकॉर्न का लुत्फ उठाते हुए आ गया, खत्म हो गया। हाँ जी ये है पॉपकॉर्न, हम यहाँ पर आनंद रहे हैं, आप लीजिए अगर आएंगे तो। चलिए ठीक है। तो गाइस अभी अभी सूत्र से मालूम पड़ा है कि जिसका स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है ना उसका वैराइटीज उसकी मात्रा कम होती है। उदाहरण के लिए चिप्स, ये है तो 10 रुपए का लेकिन इसमें बहुत कम ही चिप्स हैं। तो फ्रेंड्स अभी एक और चीज़, एक और नया चीज़ यानी कि मैजिक दिखाऊँ आपको, तीन चीज़ दिखाइए मैजिक। यहाँ पर आवाज़ जो है ना तीन बार गूंजता है भाई साहब, क्या बात, एक दो तीन। अच्छा लगा तो लाइक करें। तो अभी हम आए हैं जंगल, मतलब ये कौन सी वैरायटी है? सांभर वैरायटी है, सांभर भाई साहब, मतलब ये खाने वाला नहीं दिखाने वाला सांभर। ये देखिए आप देख सकते हो मतलब ब्लैक कलर में सांभर जी आपको मिलेंगे बड़े बड़े फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे फ्री में देख सकते हो। आइए और मज़े कीजिए। एक अमेजिंग चीज़ दिखी है आपको दिखाता हूँ, यानी कि कालन पिंडारी में कौवा, जो कि बचपन में बहुत देखने को मिलता था लेकिन अब देखना बहुत ही रेयर हो गया है। कालन पिंडारी ये कालन पिंडारी में आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो। अरे बात नहीं आपकी आवाज़ तो गीत से भी ऊपर है भाई साहब, मैं गीत हाँ ले लिया एक बार को। अरे भाई साहब आपको तो आवाज मिलता है यार, क्या बात क्या बात। अच्छा भाई लोग जिसका था हमें इंतज़ार वो घड़ी आ गई है, हम आ गए हैं अरे चिकला पानी से होते हुए। चलिए जंपिंग जपा, रास्ता बहुत जटिल, रास्ता बहुत ही कठिन है पर कोई नहीं, हम आपको दिखाएंगे तेंदुआ, ना ना तेंदुआ दे, तेंदुआ है ये, तेंदुआ ये तेंदुआ का माड़ा है। चलिए आपको दिखाते हैं भाई साहब, वेरी वेरी डेंजरस मैन। क्या बात क्या आवाज़ है, तो ये बस तेंदुआ का यू पार्ट राइट, सब आलसी बैठे हैं यार, कोई बात नहीं टाइम को खाना सहताना मिलता हो।